क्लास 7 चैप्टर 12 एसएसटी न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी, नए पॉलिटिकल पार्टी का गठन जो 18th सेंचुरी में, उसके बारे में हम इस पर पढ़ने जा रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, द मराठास, द राइज ऑफ द रीजनल पावर, बंगाल, हैदराबाद, अवध, सिख एंड पंजाब, द जाट, द राजपूत एंड द राइज ऑफ द मैसूर। फर्स्ट टॉपिक, शिवाजी हैड द फाउंड इन द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द हिली एरिया ऑफ द महाराष्ट्र। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ कर्जेस, हैड इन द फियरलेस सोल्जर। शिवाजी हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट वॉरियर्स। इसमें हम मराठाओं के बारे में जिससे सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो शिवाजी महाराज का आता है। शिवाजी महाराज जो थे वो एक टैक्स कलेक्टर के रूप में बीजापुर की आर्मी में वो काम करते थे, मगर शिवाजी एज ए कलेक्टर और उनके पिता की तरह वो काम नहीं करना चाहते थे। वो एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और जैसा उन्होंने आगे चलकर किया भी। उन्होंने अफजल खान और बीजापुर वाज सेंट अगेंस्ट हिम इन द 1659। शिवाजी कॉल्ड फॉर पीस टॉक एंड देन किल्ड हिम। बाद में उन्होंने बीजापुर पर कब्जा किया और वहाँ पर शासन भी किया, मगर बाद के समय में ऐसा हुआ कि मुगल के साथ उनकी नहीं बनने के कारण बाद में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। मगर कुछ समय के बाद वो छत्रपति शिवाजी वहाँ से, मुगलों के वहाँ से भागने में सफल भी हुए। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन के अगर बाद में हम बात किया जाए, तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सारे चीज़ किए गए थे। शिवाजी को मदद करने के लिए बहुत सारे मंत्री और को उनके साथ रखा गया था, जो हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकते थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें था अष्ट प्रधान, 8 लोगों का ग्रुप था जो हर तरह के जितने भी जो काम थे उनको देखने का इनका काम था। दिस मिनिस्टर वेयर डायरेक्टर रिस्पॉन्स टू हिम, जो सारे चीज़ों की जानकारी सीधे शिवाजी महाराज को पहुँचाते थे। द स्टेट वर्क वाज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट, स्टेट के सारे कामों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, और जिसकी सारी जानकारी वो सीधा शिवाजी महाराज को देते थे। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अगर हम बात किया जाए, तो ही मेड न्यू असेसमेंट ऑफ द विच वाज कंप्लीटेड इन द 1679। द जागीरदारी सिस्टम कंटिन्यूड, उस नए सिस्टम को तो लाया गया, मगर नए जागीरदारी 1669 तक नई जागीरदारी सिस्टम को भी इसमें लाकर शामिल किया गया था। द जागीरदार हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द ऑफिस, बट दीज वे अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग। जागीरदारियों को इस तरह का इंस्ट्रक्शन थे कि वो लोगों से गलत तरीके से रेवेन्यू ना वसूले, जो इस तरह से काम नहीं करते थे उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता था। शिवाजी के आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाए तो बहुत बढ़िया आर्मी थी, ऑर्गेनाइज थी, डिसिप्लिन थी, जिसके कारण से वो बड़े बड़े लड़ाइयों को जीतने में कामयाब भी हुए थे। द राइज ऑफ द रीजनल पावर, काउज ऑफ शिवाजी सक्सेस, अगर शिवाजी सक्सेस के बारे में बात किया जाए, द मुगल बीजापुर एंड द गोलकुंडा रिमाइंड द इंगेज द कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, दिस गेव द मराठा इन द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप देयर पावर। शिवाजी वॉज द ग्रेट लीडर एंड द एक्सलेंट ऑर्गेनाइजर, ही ऑर्गेनाइज द मराठास टू द डिफीट द एनिमीज। शिवाजी खुद एक बहुत अच्छे शासक के साथ साथ एक अच्छे लीडर के रूप में भी उनको देखा जाता था। उन्होंने अपने आर्मी को बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया था और युद्ध की ट्रेनिंग दी थी, जिससे वो अपने युद्ध में शत्रुओं पर जीत कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट जो था परफेक्शन, वो गोरिल्ला वॉर में बहुत ही परफेक्ट थे, जिसके कारण से जो शत्रु होते थे वो उनसे जीत नहीं पाते थे। नेक्स्ट टॉपिक द राइज ऑफ रीजनल पावर बंगाल, इसके बारे में जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।